वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा क्लीन रहे, साफ सुथरा दिखे, वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखे, लेकिन इस बात पर हम गौर कम करते हैं कि अंदरूनी क्लीनिंग ज्यादा अहमियत रखती है कि बाहरी क्लीनिंग। यानी कि जब हम अपने वार्डरोब को या अपने किचन कैबिनेट्स को या वॉशरूम को अच्छे से क्लीन रखते हैं तो ही हमारा घर क्लीन रहता है, इस बात पर हम गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही सच्चाई है, अगर हम अंदरूनी सफाई रखते हैं अपने घर में तो ही हमारा घर बहुत अच्छा, साफ सुथरा और क्लीन दिखता है। और बाहर के जो लोग आते हैं घर में, वो भी यही चीज़ देखते हैं कि हमारा घर किस तरीके से क्लीन है। जैसे कि जब हम अपनी अलमीराज खोलते हैं तो देखिए कि आपका अलमीरा कितना जमा हुआ है, कितना क्लीन है, क्योंकि बाहरी सफाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अंदरूनी सफाई करना ही एक बड़ा टास्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है चेस्ट ऑफ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन आइडिया से रिलेटेड। इसमें मैं आपको चेस्ट ऑफ ड्रॉअर का टूर भी दूंगी, जो कि मेरी बेटी का है, उसके रूम में रखा हुआ है, और उसके रिलेटेड आइडियाज भी दूंगी कि कैसे आप अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉअर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है चेस्ट ऑफ ड्रॉअर खरीदने से पहले, या फिर हम बोलें कि चेस्टर खरीदने से पहले, या फिर बोलें ड्रेसर खरीदने से पहले, कि इसमें बहुत सारा सामान नहीं बनता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से सामान उसमें नहीं बन पाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के थ्रू मैं सॉल्व करूंगी, बहुत सारे आपको टिप्स दूंगी, ट्रिक्स दूंगी, ताकि आप कम स्पेस में या चेस्ट ऑफ ड्रॉअर को बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा सामान के साथ ऑर्गेनाइज कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने अपनी बेटी के रूम में जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखा हुआ है, उसमें मैंने पहले से सोच के रखा था कि इसमें कौन कौन सा मैं सामान रखूंगी। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपके घर में कितनी स्पेस है, और उस स्पेस के हिसाब से आप अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉअर कस्टमाइज करवाइए। अगर आप रेडीमेड चेस्ट ऑफ ड्रॉअर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज करिए कि आप घर में अपना जो स्पेस है जहां पर आपको वो ड्रॉअर रखना है उसको अच्छी तरीके से मेजर कर लीजिए, और उसके बाद जो भी आप ड्रॉअर ले रहे हैं उसका मेजरमेंट भी लीजिए कि उस स्पेस पे वो प्रॉपरली आएगा कि नहीं। फिर आप ये भी देखिए कि उसमें आपको कौन कौन सा सामान रखना है, क्या उसका जो डिजाइन है वो एप्रोप्रिएट है आपकी जगह के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको उसमें क्या क्या सामान रखना है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी सामान आप रखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप उसके ड्रॉअर्स जो हैं वो कस्टमाइज करवाइए। कुछ बड़े ड्रॉअर्स, कुछ छोटे ड्रॉअर्स, उसके हिसाब से आप बनवाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको हर एक आइटम को सेग्रीगेट करना है। जैसे कि मैंने जो अपनी बेटी का चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है उसमें ऊपर की तरफ रखे हुए हैं उसके कुछ कॉस्मेटिक्स, उसके कुछ ज्वेलरी एक्सेसरीज वगैरह, और नीचे रखे हुए हैं उसके सारे कपड़े। तो कपड़ों में मैंने जैसे कि लोअर्स हैं, पैंट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, तो उन सबको मैंने सेग्रीगेटेड वे में रखा हुआ है। ये मैंने पहले से ही ध्यान कर लिया था कि मुझे किस ड्रॉअर में क्या सामान रखना है, उस हिसाब से मैंने इसे कस्टमाइज करवाया है। अब बात कर लेते हैं बहुत सारे लोगों के डाउट के बारे में। जैसे कि वो बोलते हैं कि चेस्ट ऑफ ड्रॉअर में स्पेस कम होती है। बिल्कुल, स्पेस कम होती है, लेकिन हम इसमें मैक्सिमम सामान रख सकते हैं। बिलीव मी, उसका एक सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज कि आपको अपने कपड़े, जो भी आप कपड़े उसमें रख रहे हैं, वो फोल्ड करना आना चाहिए। यानी कि फोल्ड करने की उसकी एक टेक्निक होती है। दूसरी चीज, जब आप फोल्ड कर लें तो उसको फाइल सिस्टम में आप जमाएं, एक के ऊपर एक पाइल अप करके ना जमाएं। पाइल अप करने में सामान दिखता भी नहीं है एट वन साइड। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम एक कपड़ा निकालते हैं तो दूसरा कपड़ा फैल जाता है। तो बेहतर होगा कि आप फाइल सिस्टम में अपने कपड़ों को रखें। Now the next thing is that कि जब भी आप cabinets को organize करें तो best तरीका होता है कि आप organizers use करें, या तो आप DIY कर लें, कोई भी cardboard जो कि अच्छा सा sturdy सा हो उसे आप wrapping paper से wrap करके, या फिर आप baskets जो कि बहुत ही cheap rate में मिलती हैं बाजार में, वो खरीद सकते हैं। उसमें हर एक item segregated way में रखा रहेगा और आपको बहुत अच्छे से visible भी होगा।
Now the next thing is that कि आप जब भी अपने कैबिनेट को क्लीन करें या अपने बच्चों से क्लीन करवाएं तो एक शेल्फ एक बार में ही क्लीन करें, पूरा कैबिनेट एक बार में क्लीन करने के बारे में ना सोचें। जब भी आपको लगे कि आपका कैबिनेट गंदा हो रहा है या फिर आप सामान बार बार निकालने में वो बिगड़ गया है, तभी आप उसको अच्छे से ठीक करें और एक बार में एक ठीक करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने बच्चों को अगर वो कैबिनेट दे रहे हैं या फिर आप खुद उसमें रख रहे हैं सामान, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जहां से आप जो सामान निकालें उसको वापस उसी जगह पर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि कौन सा सामान आप कहां रख रहे हैं, आप भूल जाते हैं, तो उसकी लेबलिंग कर दें। अगर आप लेबलिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप बस ये ध्यान रखिए कि ये कैबिनेट इस चीज के लिए डेडिकेटेड है और वो सामान आप वहीं पर ही रखिए बजाय इधर उधर रख लेंगे। उससे क्या होगा, आपका कैबिनेट कभी भी फैलेगा नहीं और हमेशा क्लीन एंड टाइटली दिखेगा। सो ये हो गए सारे पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखने के होते हैं कोई भी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने से पहले। चलिए अब मैं ले चलती हूँ अपने बेटी के रूम में जहाँ पर उसका ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखा हुआ है और वो आपको करवाएगी इसका पूरा टूर। हेलो ऑल, सो आज फाइनली मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ अपना ड्रेसर टूर जिसके आप काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इसका साइज है 3x1.5 और ये इस स्पेस में रखा हुआ है। सो ये रहा मेरा मेकअप का बैग, इसे वारंटी बैग भी कह सकते हैं हम, और इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स। एंड अगर आप मेरा पूरा वैनिटी बॉक्स या बैग का टूर देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे है, प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग पे। ओके, एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सो हियर इज माय मिरर और ये पिंक कलर का है जो मेरे जैसे किटी के ईयर्स पहनता है। एंड इसमें ये हुक जैसे बने हुए हैं जिसमें हम कुछ भी कोई सा ब्रेसलेट या कुछ, हाँ, कुछ भी हैंग कर सकते हैं। हाँ, हैंग कर सकते और नीचे तरफ रिंग्स भी रख सकते हैं ना श्रिया। हाँ, एंड दिस इज रोटेटेबल, ऐसे रोटेट हो जाता है। अपसाइड डाउन। कितना भी हो सकता है ये, अभी तो इतना ही रहने दो। ओके, सो ये रहा मेरा बारबी किचन प्ले सेट। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपने अपना बारबी किचन प्ले सेट ड्रेसर के ऊपर क्यों रखा है। तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये इसकी एप्रोप्रिएट जगह मुझे लगती है एंड यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ओके, पिंक पिंक। और इसका टूर मेरे चैनल पे गया श्रिया होट पे। यस, और डीआईवाई डॉल हाउस भी श्रिया ने बनाया था अराउंड 8 months बिफोर बनाया था। हाँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यस, बंक बेड। सो लेट्स मूव ऑन टू द ड्रॉअर्स व्हिच आर मेन, है ना? यस, सो फर्स्ट वन पहले वाले में ये मेरा सबसे फेवरेट है बिकॉज़ ये बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। यस, एंड यहां पे मैं अपने रखती हूं स्विमिंग गॉगल्स जो कि अभी हो नहीं रहा है कुछ काम उसका। हाँ, समर्स में होगा उसका काम। एंड ये बास्केट जिसमें मेरे सारे हेयर बैंड्स हैं उनका भी कलेक्शन गया हुआ है मेरे वैनिटी बैग के साथ। सो इस बॉक्स में, यानी कि इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैं रखती हूँ अपनी सारी क्लिप्स ताकि मैं उनको बाहर से देख सकूँ। और ये सारी मैचिंग की क्लिप्स रखती हूँ मैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। यस, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज करके, मेरी मम्मी ने रखा था शायद से। एंड ये है ऑर्गेनाइजर एक और जिसमें मैं अपनी सारी एसेसरीज एंड ज्वेलरीज रखती हूँ। ज्वेलरीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एसेसरी ओनली, राइट? तो ये रहा नेकलेस काइंड ऑफ थिंग, है ना? और ये सारे ब्रेसलेट्स जो मेरे फेवरेट हैं वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ मिरर के। और ये कुछ शॉर्ट वाली जो नेकलेस हैं वो हैं माला वगैरह। हाँ, और ये रहे बोल्स एंड जो बड़े बड़े जो क्लिप्स हैं ना वो मैंने यहाँ पे रख दी क्योंकि वो मैं अक्सर यूज करती हूँ। एंड ये रहे रबर बैंड्स बहुत सारे। और उसको एक क्लिप में इस तरीके से रखा हुआ है। हाँ, क्लिप में रखा हुआ है ताकि वो बिखरे ना, इधर उधर ना गिरे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रॉअर।
तो नेक्स्ट ड्रॉअर में उतना ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि क्रीम है एंड परफ्यूम, टू परफ्यूम्स आर देयर, एलोवेरा जेल्स एंड इसमें क्या रहता है मम्मा? ये है वो जो तुम्हारे डांस में यूज होता है ना, वेणी वगैरह, आर्टिफिशियल वेणी, यस। एंड दीज आर द मास्क। मम्मा आप इसमें से एक मास्क रख लेना। ओके और वो वाला जो बॉक्स है वो भी दिखाओ। हाँ, इस बॉक्स में सारे जो बालों में लगाने की चीज़ होती है ना, लंबी लंबी सी, जो मतलब यहाँ पे इनकी जगह नहीं थी तो यहाँ पे रख दिया। कभी कभी कोई हेयर स्टाइल करनी रहती है। हाँ, सो अलग अलग कलर्स में है ये सब। सो द थर्ड ड्रॉअर, सो हियर्स द थर्ड ड्रॉअर इन विच मैं रखती हूँ अपने सारे घर के कपड़े। देखिए पूरा का पूरा फिल है ये। कोई कपड़े हमारे अभी लॉन्ड्री में नहीं है। सो ये रही मेरी सारी टी शर्ट्स एंड ये है लेगिंग्स एंड शॉर्ट्स। शॉर्ट्स इसलिए पीछे भी अभी जनवरी का मंथ चल रहा है एंड ये वही क्या कहते हैं उसको, नाइट ड्रेस है ये दोनों। And these kind of organizers are very helpful to organize. जो भी आपके कपड़े हैं घर के या आपके जो inner wears हैं वो सब आप अच्छे से रख सकते हो। Yes. So let's move on to fourth drawer. So fourth drawer भी बहुत interesting है because उसमें मैं रखती हूँ अपने सारे leggings का collection. Jeans, leggings. अभी मैंने एक legging पहनी हुई है, वो भी यहीं पर रखती हूँ। एंड यहाँ इन दो रोज में मेरे सारे जीन्स एंड शॉर्ट्स रहेंगे और इन दो रोज में मेरी सारी लेगिंग्स रहेंगी, कॉटन की लेगिंग्स और इनमें जीन्स। एंड ये जो फाइल सिस्टम से रखा हुआ है उसमें क्या होता है कि कोई भी पेयर करने में इजी होता है। हाँ। जैसे कोई भी टॉप के साथ कौन सा जीन्स पहनना है तो हम एट वन साइड सारी चीजें देख पाते हैं। हाँ। और निकाल पाते हैं। हाँ, सब एक बार में दिख जाता है। अपन एक के ऊपर एक रखेंगे तो दिख नहीं पाएंगे, सिर्फ टॉप वाला दिख पाएगा। So, let's move और बार बार वो टॉप वाला ही पहनोगे, ऊपर वाला ड्रेस बाद में देखो, अरे ये भी तो थे, ये तो पहनेंगे। Let's move on to fifth and last drawer. In the fifth one, मैं रखती हूँ अपने सारे main bedsheets। अभी और भी bedsheets हैं लेकिन वो कहीं और रखी हैं। And ये सारी मैं अक्सर use करती हूँ bedsheets। और ये रहा मेरे towels and napkins। Extra towel, napkin और थोड़ी सी space खाली छोड़ी हुई है। हाँ। ताकि कभी भी कुछ रखना हो extra, कोई सामान या हम लोग कुछ भी खरीद के जो लाते हैं, इनर वेयर्स टाइप जो अभी यूज नहीं कर रहे हैं वो नीचे डाल देते हैं। हाँ, थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस तो जरूर होना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, राइट? एक्स्ट्रा थिंग्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी टू कीप थिंग्स एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, सो मैंने बेडशीट्स इसमें इसलिए रखी लास्ट में बिकॉज मेरी मम्मी ने रखी थी, बिकॉज ये बेडशीट्स और टॉल्स की अप्रोप्रिएट जगह है। हम देखते हैं ना जिनके पास बेड्स में ड्रॉअर रहते हैं वो अपने ड्रॉअर्स में टॉल्स वहाँ पे भी रख सकते हैं। कहीं कुछ लोग हैंग करके रखते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे जो यूज कर रहे हैं टॉवल वो हैंग रहते हैं। Yes. और एक्स्ट्रा टॉवल्स जो हैं वो नीचे रहते हैं। सो ये था मेरा पूरा ड्रेसर का टूर। आई होप यू लाइक्ड इट। यस, एंड इफ यू लाइक्ड इट देन व्हाट डू यू हैव टू डू? थम्स अप, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हाँ, और आप सभी से तो। बिल्कुल, और आप सभी से मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड